अगला प्रश्न है कॉस 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री प्लस माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये दोनों पूरक है, ये दोनों भी पूरक दिख रहे हैं, 30 का मान हमारे पास होता है, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं कि कॉस में 70 को हम लिख देते हैं 90 माइनस 20, साइन 20 रहने देते हैं, प्लस इसमें भी हम कॉस को 59 को लिख देते हैं 90 माइनस 31 और साइन 31 को ऐसा कैसा रहने देते हैं माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 90 माइनस 20 मिलाकर हो जाएगा साइन 20 डिग्री, ये भी है साइन 20 डिग्री, प्लस ये हो गया साइन 31 डिग्री और ये हुआ साइन 31 डिग्री, माइनस 8 गुणा साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का मान हमेशा ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर 30 और साइन 30 डिग्री का स्क्वायर एक ही बात है, तो जब भी हम लिखें तो इसका मान केवल आप लिख दीजिए और फिर जो भी घात हो वो लगा सकते हैं। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, यहां ये कटा, यहां ये, यहां पर ये, तो ये बचा 1 प्लस 1 माइनस 8 गुना 1/4 यानी कि 2, तो ये 2 माइनस 2 बराबर 0, तो ये मान आया इसका 0। अगला प्रश्न है कॉस 40 माइनस थीटा, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, यह है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और नीचे है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। यहां पूरक कोण ढूंढते हैं, 40 माइनस थीटा और 50 माइनस थीटा, इनको जोड़कर देखिए 50 प्लस थीटा, थीटा से थीटा कटा आएगा 90, यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है तो इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये है कॉस 40 माइनस थीटा, इसको रहने देते हैं कॉस 40 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 प्लस थीटा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि 40 माइनस थीटा और 50 प्लस थीटा एक दूसरे के पूरक हैं, तो 40 माइनस थीटा को हम 90 माइनस 50 प्लस थीटा लिख सकते हैं। फिर ये आता है आगे प्लस साइन 50 प्लस थीटा को ऐसा कैसा रहने दे प्लस, यहां 40 और 50 एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक इधर बदल दीजिए एक इधर बदल दीजिए, कोई भी, या तो इधर दोनों तरफ 50 50 बदलिए या दोनों तरफ 40 40 को बदलिए, तो हम 40 को छोड़कर 50 की तरफ चल लेते हैं, तो हम इसको रख देते हैं कॉस 40 डिग्री और कॉस स्क्वायर 50 है ये, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस कॉस 50 को कॉस 90 माइनस 40 स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 40। यहां क्या होगा, कॉस 90 माइनस 50 प्लस थीटा को हम साइन 50 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, प्रश्न में ये माइनस है, यहां पर ये माइनस दिया गया है प्रश्न में, यहां पर कॉस 40 माइनस थीटा माइनस 40 प्लस थीटा है,
तो ये ध्यान देंगे, ये प्लस माइनस, फिर ये माइनस, यहां भी माइनस आएगा, और ये साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर 40 को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 40। अब ये कॉस 90 जो है वो साइन में बदलेगा, ये आएगा साइन स्क्वायर 40 बटे, ये है साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और साइन 90 माइनस 40 बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री में। यहां देखें तो साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 एक दूसरे से कटेंगे, ये जीरो, तो कुल मिलाकर यह आएगा जीरो प्लस एक बराबर एक। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखा 40 माइनस थीटा और 50 माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक है, तो इन्हें बदला जा सकता है, इसलिए हमने 40 माइनस थीटा को लिखा 90 माइनस 50 प्लस थीटा, इसलिए ये दोनों कटे, इन दोनों को घटाने पर जीरो बना। फिर ये बचा कॉस स्क्वायर 40, और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40, ये साइन स्क्वायर 40 में बदलेगा, हर और अंश के मान दोनों बराबर, एक दूसरे से कट कर देंगे हमें एक। अगला प्रश्न है, टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री और टेन 80 डिग्री। यहां पर भी पूरक ढूंढी है, 10 और 80 एक दूसरे के पूरक है और 15 और 75 एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इनका योग 90 डिग्री आता है। तो 10 और 80 में से किसी एक को बदल दीजिए, 15 और 75 में से भी किसी एक को बदल दीजिए। तो हम करते हैं 10 को बदल देंगे और 15 को बदल देंगे और 75 और 80 को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80 डिग्री, 15 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75, 15 की जगह 90 माइनस 75 लिखा जा सकता है, बाकी के ये दोनों ऐसा का ऐसा रखते हैं, यानी कि 10 75 डिग्री गुणा 10 80 डिग्री। 10 80 डिग्री ये बन जाएगा cot 80 डिग्री गुणा 10 75 डिग्री 90 माइनस 75, तो ये बन जाएगा cot 75 डिग्री गुणा 10 75 डिग्री गुणा 10 80 डिग्री। अब हमें पता है कि cot और 10 एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, तो cot 80 डिग्री को हम 1 बटे 10 80 डिग्री लिख सकते हैं, इसी तरीके से cot 75 को हम 1 बटे 10 75 डिग्री लिख सकते हैं, 10 75 की जगह 10 75 रहने देंगे और 10 80 को भी ऐसा का ऐसा रहने देंगे। ये 80 डिग्री से ये 80 डिग्री कटा, 75 से ये 75, आगे हमारा आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न कहता है कि यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर है कॉस थीटा के, यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर है कॉस थीटा के, तो थीटा का मान ज्ञात करो। हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा, और हम यहां यह भी जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं कि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री है यहां पर, या ये कॉस थीटा है, तो हम इसको साइन थीटा प्लस 36 डिग्री ही रहने देते हैं, और इस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि यह साइन 90 माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। इस बार हमने उल्टा किया, इस बार थीटा को हमने देखा कि ये इसका पूरक अगर बनाना चाहे तो कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ ये आ रहा है साइन, इधर भी साइन, अगर दोनों तरफ के त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे आ रहे हैं, इनका मतलब ये जो कोण है थीटा प्लस 36 और 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर है 90 माइनस थीटा के,
इस थीटा को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो ये हुआ 2 थीटा, 90 डिग्री में से हम 36 डिग्री को घटाते हैं, 90 डिग्री में से हम 36 डिग्री घटाएंगे, ये आ जाएगा 54 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हुआ 27 डिग्री के। तो यहां हमने क्या किया कि ये हमें दिया गया था, इसमें हमने देखा कि दोनों साइन और कॉस एक दूसरे के पूरकों में बदले जा सकते हैं। हमने इस कॉस को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, इससे दोनों तरफ साइन मिला हमें, दोनों तरफ साइन है, इसका मतलब ये जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, इससे आया हमारे पास थीटा बराबर 27 डिग्री। तो ये सभी थे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं या त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज क्या होती हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमिका एक प्रकार का समीकरण है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो किसी कोण थीटा को अपने साथ रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कोण थीटा के साथ त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मान पर अपने आप को संतुष्ट करता हो वह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहलाती है। हम ये कहेंगे कि थीटा के साथ बनाया गया, कोण थीटा के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर बनाया गया एक त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए स्वयं को संतुष्ट करता है वह एक त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है या त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहलाती है। तो इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं में कुछ ऐसी व्यापक या कहें स्टैंडर्ड सर्वसमिकाएं हमें दी गई हैं, जिनके मान भी ज्ञात किए गए हैं, जिनके ऐसी तीन सर्वसमिकाएं हैं अभी हम जो देखेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक के बराबर होता है। इस प्रकार से यहां तीन सर्वसमिकाएं हैं। तो सबसे पहले वो तीन सर्वसमिकाएं हम देखेंगे, इन्हें सूत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहली जो सर्वसमिका हम देखेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। यानी कि जब भी हमें इस तरीके का कहीं भी रूप दिखे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब यहां जो दोनों कोण हैं ये कोण एक जैसे अगर हमें दिखते हैं, जैसे कि हम कहें कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, या हम कहें साइन स्क्वायर ए प्लस बी, कोण की जगह हमने ए प्लस बी लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, तो इनका मान निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं कि जब कोण बराबर है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहे हैं योग में, ये भी एक ये भी एक होगा। ये सर्वसमिका किस प्रकार से आती है इसको सिद्ध करके देखते हैं। इस सर्वसमिका की उत्पत्ति के लिए चलते हैं हमारे समकोण त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में यह हमारे पास है कोण थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहां लंब आ रहा है BC और कर्ण है AC, लंब है BC और कर्ण है AC, तो BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है आधार बटे कर्ण, आधार है AB और कर्ण है AC, तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यहां AC स्क्वायर लेते हैं लघुत्तम, यहां बचा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर,
एक बार देखें ध्यान से, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के। तो यहां हम लगा सकते हैं कि कर्ण है एसी स्क्वायर, नीचे एसी स्क्वायर पहले से चल रहा है, ये कटा बराबर आया एक का, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ने ये कहा कि इस त्रिभुज के लिए एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो हमने बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह लिख दिया एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर घटा ये बराबर एक, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक के। तो यह होगा हमारे पास पहला सूत्र या पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीपा। दूसरी है हमारे पास एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करने के लिए हम टेन और सेक की जगह मान रखकर भी कर सकते हैं, यानी कि टेन और सेक की जगह अनुपातों के मान रखकर करें, उससे भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है हमारे पास इसको सिद्ध करने का, वो ये कि हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर आ रहा है एसी स्क्वायर के। ये एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर के आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस समीकरण को एबी से भाग दे देते हैं आधार से। इस समीकरण को हमने आधार से यदि भाग दिया दोनों तरफ हमने एबी स्क्वायर से भाग दे दिया, तो यह बचेगा एबी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। ये ए बी से ए बी कटा, ये बना एक बी सी बटे ए बी। देखते हैं बी सी बटे ए बी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर टेन, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी कर्ण बटे लंब कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार बराबर होता है सेक थीटा के, आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यह आया दूसरा सूत्र कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तीसरा सूत्र कहता है एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। यह आता है कि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर है एसी स्क्वायर के। पिछली बार हमने आधार से भाग दे दिया था इस समीकरण को, इस बार लंब से भाग दे देते हैं। तो इसको लंब से अगर भाग देते हैं, यानी कि बीसी स्क्वायर से भाग देते हैं दोनों तरफ, तो यह बचेगा एबी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। ये कटा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी आधार बटे लंब यानी कि कॉट थीटा, ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक। ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी यानी कि कर्ण बटे लंब बराबर कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये आ गया तीसरा सूत्र कि एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने यहां देखे कुल तीन सूत्र। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरा हमने देखा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा था एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सूत्रों से और भी कई सूत्र बन सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। इस सूत्र को लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा,
या हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, या अगर साइन थीटा और cos थीटा लिखा जाए तो इन पर अंडर रूट भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे सूत्र बन सकते हैं। तो कहीं भी ध्यान रखें, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो उसको cos थीटा लिखा जा सकता है, यानी cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ सकता है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही हम बाकी के दोनों सूत्रों में भी कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और यही चीज लागू होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वाले सूत्र के लिए कि यहां हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, सिद्ध करो कि cos स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। यह हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न करने हैं जहां हमें सिद्ध करना है त्रिकोणमिति को लेकर, सबसे पहले देखिए कि क्या वहां पर त्रिकोणमिति का कोई सूत्र लग सकता है। अगर कोई त्रिकोणमिति का सूत्र लग सकता है तो वो लगाइए। अगर ये देखिए कि सिद्ध करने में जो है, अभी तो यहां एक है, लेकिन यदि सिद्ध करने में जो दिया हुआ हो वो साइन या कॉस में हो, और आपके पास जो प्रश्न है वो टेन कॉट में किसी में हो, तो उन्हें साइन या कॉस में बदल दीजिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती है तो कोशिश कीजिए कि क्या इस प्रश्न में जो दिया गया है उसका गुणनखंड हो सकता है। यदि गुणनखंड नहीं हो सकता तो फिर देखिए कि क्या हम उसका परिमेयकरण कर सकते हैं, या परिमेयकरण करने के बाद उसमें कुछ कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमिका लग जाए। तो इस प्रकार से हम एक बार स्टेप बाय देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय सूत्र लगने के बाद जो कोशिश करें टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदलने की, ये ना हो तो गुणनखंड करने की। गुणनखंड बहुत ही कम बार हो पाते हैं त्रिकोणमिति में, कई बार हमें जरूरत पड़ती है परिमेयकरण की। फिलहाल हम देखें इस प्रश्न में यह है cos स्क्वायर थीटा बराबर गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें देखते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति का सूत्र लगता है, तो इसमें त्रिकोणमिति हम लगा सकते हैं, सीधे से सूत्र लग सकता है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहां हमने क्या किया कि चूंकि हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब यहां cos स्क्वायर थीटा को ऐसा कैसा रहने दे, हमें पता है sec और cos एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कटा, ये बराबर आया 1, ये बराबर है राइट हैंड साइड के जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहां हमने क्या किया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को लिखा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटा, ये बराबर आ गया 1 के। इस प्रकार से हमें त्रिकोणमिति में सूत्रों को देखना है कहां कहां कोई सूत्र लग सकता है। अगला प्रश्न है 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा के। तो वही लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, यानी कि बाई तरफ को यह आ गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा। क्या यहां त्रिकोणमिति का कोई सूत्र लग सकता है? नहीं, ऐसा कोई सूत्र हमें नहीं पता जो इनमें लग सके। तो अगला स्टेप यहां यही हो सकता है इस प्रश्न में आगे बढ़ने के लिए कि हम इसमें लघुत्तम ले लें। तो अगर हम इसमें लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आएगा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। यहां आया 1 माइनस साइन थीटा, फिर ये माइनस है, यहां आना था 1 प्लस साइन थीटा, इसलिए चिन्ह चेंज हुए तो यह आ गया माइनस 1 माइनस साइन थीटा।
ये दिया गया प्रश्न में ये प्लस है तभी जाके ये 2 से x स्क्वायर थीटा आएगा कि अगर हम ये प्लस रखेंगे तो अगर ये हम प्लस रखते हैं तो ये प्लस और ये भी आएगा यहाँ पे प्लस का। प्रश्न में है एक प्लस एक बटे एक प्लस साइन थीटा प्लस एक बटे एक माइनस साइन थीटा बराबर 2 से x स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर ये माइनस होगा तो 2 से x स्क्वायर थीटा तो ये कभी सिद्ध हो ही नहीं सकेगा। तो एक बटे एक प्लस साइन थीटा प्लस एक बटे एक माइनस साइन थीटा, वही हमने क्या लघुत्तम लिया, यहाँ आएगा एक माइनस साइन थीटा प्लस एक प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, यह आ गया एक और एक दो। नीचे देखें तो एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा को गुणा करते हैं तो ये आता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये आ जाएगा 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो गया RHS के। तो हमने यहां क्या क्या सूत्र लगाए, एक तो इस जगह पर कि हमें पता था चूंकि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये तो हमने लगाया यहां पर, और हमें पता है कि एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लाना है, लिख सकते हैं क्योंकि यही हमें लेकर आना है, तो हमने यहां लिखा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो जो लेकर आना है बिल्कुल उसे देखते जाइए कि क्या हमें चाहिए और उस प्रकार से उस त्रिकोणमिति को बदलते जाइए। अगला प्रश्न है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें सिद्ध करना है कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा एक प्लस साइन थीटा गुणा एक माइनस साइन थीटा ये बराबर है एक के, ये हमें सिद्ध करना है। तो फिर वही हम LHS लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भाग यानी कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक प्लस साइन थीटा गुणा एक माइनस साइन थीटा, क्या कोई त्रिकोणमिति सूत्र लग सकता है? हाँ, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा गुणा एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा को अगर हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां अभी तक हमने एक सूत्र लगाया क्योंकि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को हमने गुणा किया तो ये आ जाता है हमारे पास एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे ये है सेक स्क्वायर थीटा गुणा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कटे बराबर आएगा एक के, एक बराबर है RHS राइट हैंड साइड में जो हमें सिद्ध करना है, हेंस प्रूव अगला प्रश्न है tan थीटा प्लस साइन थीटा, हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है sec थीटा प्लस एक बटे sec थीटा माइनस एक। अब देखिए यहां पर इसमें अगर हम LHS को लेते हैं, इस LHS में tan थीटा प्लस साइन थीटा है और tan थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या यहां पर कोई त्रिकोणमिति सूत्र दिखता है हमें? नहीं, यहां ना तो कोई त्रिकोणमिति सूत्र लग रहा है, ना ही हम अभी कोई लघुत्तम ले सकते हैं, ना ही किसी का गुणा है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये देखते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है वो आ रहा है सेक में, सेक यानी कि अगर कॉस आ जाता है कॉस प्रतिलोम करके हम सेक निकाल सकते हैं, तो जब हमें कॉस में या सेक में चलना है, इधर हमें दिया गया है टेन में, तो हम क्या करते हैं इस टेन को साइन और कॉस में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं कि हमें पता है tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस sin थीटा को ऐसा कैसा रहने देते हैं, यहां पर भी tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको रहने देते हैं sin थीटा माइनस में,
जो कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये हमने यहां लगाया। अब हम क्या करें कि इन दोनों में यहां sin कॉमन आ रहा है, नीचे भी sin कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें ले लेते हैं sin कॉमन, ये आ गया sin थीटा कॉमन, ये बचा 1 बटे cos थीटा प्लस 1, और यहां पर भी आ रहा है sin थीटा कॉमन, ये बचा 1 प्लस 1 बटे cos थीटा माइनस 1, sin थीटा से sin थीटा कटा, 1 बटे cos थीटा कॉमन ले सकते हैं sec थीटा, ये आया sec थीटा प्लस 1, और ये आ गया sec थीटा माइनस 1, ये है राइट हैंड साइड के बराबर।